हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट नाइन लाइफ। ऐश्वर्या राय को लेकर के अक्सर कई चर्चाएं इन दिनों सामने आ रही है। हाल में ही ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पूरे फैमिली के साथ द आर्ची की ग्रैंड प्रीमियर में पहुंचे, जहां पर अगस्त्या नंदा के साथ उन्होंने मस्ती की, उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए और पेपराजीज भी अपने भतीजे के लिए बन गई। इसके बीच में काफी कुछ ऐसी वीडियोज हैं जो सामने आ रही हैं, उनकी पुरानी वीडियोज। ऐश्वर्या राय बच्चन की कॉफी विद करण के शो के दौरान की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें ऐश से करण जौहर ने पूछ लिया कि आखिर वो किस तरीके का लड़का पसंद करती है। ये तब की बात है जब ऐश्वर्या रिलेशनशिप को लेकर के चर्चाओं में थी, कभी सलमान खान के साथ तो कभी विवेक ओबेरॉय के साथ। सलमान और विवेक ओबेरॉय के साथ रिलेशन में रहने के बावजूद भी ऐश्वर्या ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें किस तरीके का लड़का चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की चीजें उनके साथ हुई वो वाकई उनके लिए दर्दनाक थी। सलमान पर पहले मारपीट का आरोप लगाया, तो उसके बाद सलमान खान को लेकर की जो चीजें सामने उन्होंने ब्रेकअप के बाद रखी वो वाकई काफी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि ऐश्वर्या राय ने गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद विवेक ओबेरॉय के साथ उनका रिश्ता जुड़ा, तो वो रिश्ता भी लंबे वक्त तक चल नहीं पाया। हालांकि जब इसके बारे में सलमान खान और विवेक ओबेरॉय को लेकर के जब सवाल बार बार पूछा जाता है, तो अक्सर एक्ट्रेस ये कहती हैं कि वो मेरा इतिहास था और वो जो अतीत है वो मैं भूल चुकी हूँ और आगे बढ़ चुकी हूँ, अब मुझे पीछे मुड़कर के नहीं देखना। लेकिन इसी बीच में साल 2007 से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन से करण जौहर ने सवाल पूछा था। सवाल ये पूछा कि आखिर वो किस तरीके का लड़का पसंद करती है और इसको लेकर आखिर क्या जवाब दिया, किसके साथ वो शादी करना चाहती थी। देखिए खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय बच्चन ए लिस्टेड कलाकार मानी जाती हैं। उनकी निजी जिंदगी की भी खूब सुर्खियां इन दिनों छाई हुई है। अपने शानदार फिल्मी करियर के दौरान न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया का ऐश्वर्या ने दिल जीता था। ऐश्वर्या राय ग्लोबल सुपरस्टार होने के साथ साथ सबसे प्रसिद्ध परिवार की बहू भी हैं। यही वजह है कि ऐश्वर्या की चर्चाएं काफी ज्यादा होती हैं। ऐश्वर्या की सुंदरता से लेकर के उनके परिवार की चर्चा होनी तो लाजमी ही है। हालांकि एक ऐसा वक्त था जब ऐश्वर्या इसकी कल्पना भी नहीं कर रही थी कि वो आखिर कैसे लड़के के साथ शादी करेंगी। ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन के साथ शादी रचाई, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ इस तरीके का कदम उठाएंगी। आज अभिषेक और ऐश्वर्या की एक बेटी आराध्या है। एक ऐसा वक्त था जब कोई भी शख्स अगर ऐश्वर्या से सवाल पूछता शादी को लेकर, तो वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। जाने माने फिल्म मेकर करण जौहर ने भी अपने चैट शो कॉफी विद करण में एक्ट्रेस से एक सवाल पूछा था। ये वीडियो काफी पुरानी है, लेकिन क्योंकि ऐश्वर्या और अभिषेक इन दिनों चर्चाओं में है, इसलिए वीडियो का वायरल होना एक बार फिर से लाजमी बन जाता है। वीडियो क्लिप में ऐश्वर्या राय से करण जौहर सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर किस तरीके के आदमी के साथ वो शादी करना चाहेंगी, उनके साथ कौन फिट बैठेगा। इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस कहती हैं कि जब जैसा होगा तो आम लोगों को पता चल जाएगा, मुझे जिस तरह का अनुभव हुआ है उसे देखते हुए तो मैं इसके बारे में नहीं सोच सकती। मैं जीवन को वैसे ही लेना चाहती हूँ जैसे वो आता जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐश्वर्या ने अपनी शादी का पूरा जिम्मा अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। जैसे जैसे किस्मत उनके साथ चलती गई, वैसे ही ऐश्वर्या ने अपनी जिंदगी से जुड़े हुए फैसले लिए। करण जौहर ने इसके बाद उनसे सवाल ये कहा कि आखिर वो किसे अभिनय का भगवान मानती हैं। इस सवाल के करते ही ऐश्वर्या ने जो जवाब दिया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। ये वीडियो तब की है जब ऐश्वर्या की शादी भी नहीं हुई थी। उन्होंने जवाब ये दिया कि बहुत सारे आइकन हैं, लेकिन जैसे मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ या मैंने जितना देखा है, जितना मैं उन्हें जानती हूँ, मैं अभिनय का भगवान अमित जी यानी कि अमिताभ बच्चन को मानती हूँ, वो अविश्वसनीय हैं। बता दें कि इसी के बाद ही ऐश्वर्या राय बच्चन की 20 अप्रैल 2007 में अभिषेक के साथ शादी हुई थी। दोनों के बीच में केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा थी, दोनों के रोल को भी काफ़ी सराहा जा रहा था।
ऐश्वर्या और अभिषेक ने एक साथ मूवीज में काम भी किया है। हाल में ही कपल भतीजे अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म द आर्ची के प्रीमियर पर नजर आया। पूरा परिवार एक साथ नजर आने के बाद ऐश्वर्या और उनके परिवार के बीच में चल रही अनबन की खबरें एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। वेल, ये तो बात रही ऐश्वर्या राय की उस एपिसोड की कॉफी विद करण की जिसमें वो नजर आई, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में भी बातचीत की, लेकिन किसे पता था कि अमिताभ बच्चन को एक्टिंग का भगवान मानने वाली ऐश्वर्या राय उनके ही घर की बहू बनने जा रही है। साल 2007 में 20 अप्रैल को ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी हुई। ये शादी बेहद धूमधाम के साथ हुई थी और शादी में पूरा परिवार शामिल हुआ था। हालांकि बाद में ऐश्वर्या के जिस तरीके से खबरें अब सामने आती हैं, परिवार के साथ रिश्ता जो उनका सही नहीं बताया जाता, ये वाकई अपने आप में कई तरीके की चीजें सामने रखती है। क्या बच्चन फैमिली में काफी कलेश चलता है? जया बच्चन के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो घर में जो कलेश है उसका कारण होती है उनका गुस्सा, जो है कलेश का कारण होता है। यही वजह है कि जो ऐश्वर्या है वो अपनी सास जया बच्चन को पसंद नहीं करती। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसके दो अलग अलग कारण जो है वो देख सकते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसके दो अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू ये कहता है कि ऐश्वर्या के साथ जया का रिश्ता बेहद खूबसूरत है, अच्छा है। लेकिन दूसरा ही पहलू जिसमें कई वीडियो सामने आती हैं, कई एक दूसरे को इग्नोर करते हुए कई बार ये देखे गए हैं, उससे साफ पता चलता है कि भले ही बच्चन फैमिली एक दूसरे के साथ रहने का जितना भी दिखावा कर ले, लेकिन कैमरे की नज़र इनकी लड़ाई पर पड़ती जाती है। वेल, इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।